अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरीद रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी जुबान में रखे, आमीन आमीन। इसी वक्त के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं, और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा रहे। तो जी सारे में अभी से कह रहा बा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी देखें, रिएक्शन भी एक ड्यूटी है और ये बात अपने काम करना भी एक ड्यूटी है। आपको फैमिली व्लॉगिंग में पता चल जाएगा हम किधर जा रहे हैं, और बच्चे जब तैयार होते हैं तो फिर आपको दिखाया जाएगा। इस वजह से मैंने कहा मैं भी अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। माशाल्लाह से आज 23वां रोज़ा है, तो जिस तरह बता रहे हैं कि ईद 10 की है और 29 रोज़े। अब देखे जी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अगर मामा ने पहले बता दिया ना तो इसका मतलब 10 की ही है, हो सकता है। तो अब फिर देखे ये सऊदीया के साथ करते हैं कि ये अलग करते हैं, या भी ये अल्लाह ताला या उनके भी 29 रोजे होते हैं, अब देखे क्या बनता है। हाँ जी, अगर उनके 30 हुए तो फिर इन्हें भी 30 करने ही पड़ेंगे। तो जी आज मैं बात करूंगी फिर से अलीजे शहर के ऊपर, जो इसकी भाभियों के साथ जो हुआ है। तो वो बेचारी हर जगह पे दिखाओ जरा, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ। अभी प्रेस करेंगे ना, फिर दिखाएंगे ये। अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊं, थोड़ा सा ट्रेलर मेरे सूट का। हाँ, फिर बाद में पूरी वीडियो इसकी भी बनाएंगे। ये इसने ना बाजू पर लेस लगाई है, तो जी फिर पूरा तैयार होता तो उसका भी एक ब्लॉग मिलेगा आपको, अबीरा पाशा के कपड़ों का। तो जी बड़े ही दुख के साथ मुझे अलीजे शहर पे बात करनी पड़ रही है, कि जिस तरह मुझे लग रहा है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इस पे ना केस किया जा रहा है या किया गया है। ज्यादा लोग उन बच्चियों के साथ समझा है। केस किया गया तो मैंने कहा वैसे जैसे ये नंगे हो के आते ना, इस पे केस ही करवाना चाहिए। तो ना ये हुआ कि ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि उन बच्चियों को इनसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, और वो बच्चियां भी कह रही हैं हमने तलाक ही लेनी है, हमने इनके घर नहीं रहना, क्योंकि देग में से दो चावल ही खा के पता चल जाता है देग क्या है। जो बच्चियों ने इनके हाल में घर में देख लिया ना, और ये औरत और लड़कियां कह रही हैं हमने इनके घर नहीं रहना। हाँ जी, तो उन्हें पता है ना उनके साथ ये बाद में क्या कर सकते हैं। तो उन्हें इन लोगों ने चाहा था कि वो बच्चियां छोटी छोटी हैं और गरीब घर की हैं, तो जो हम चाहेंगे ना वही वो कुछ करेंगी। लेकिन जिस तरह से इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई माशाल्लाह, तो इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो ये है कि बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। चलो जी, कहते हैं अपना आप तो तुम लोगों ने ख़राब किया, लेकिन दूसरों को ख़राब करने का आपको हक नहीं पहुंचता। तो कोई गरीब है तो ज़रूरी नहीं है कि गरीब जो होते बिक जाते हैं, जो बिकते हैं वो अमीर भी बिक जाते हैं, जो नहीं बिकते जिनको गैरत होती है ना वो गरीब भी नहीं बिकते। अब उन बच्चियों के दिन आपने बातें सुनी कि वो किस तरह छोटी छोटी बच्चियां ले जैसे तो वो आदि हैं, वो लाजमी नहीं कि ऐसी हालत चीज उन्होंने व्यूअर्स नो फायदे तो नंगे होके। हाँ जी, तो मैं आपको पता है जिस तरह मैं तो इतनी नाजेबा चीज़ें नहीं लगा रही, जिस तरह आपको पता लोग इन पे जब रिव्यू देते हैं ना तो साथ में अलीजे शहर की वो तस्वीरें लगाते हैं जिसमें ये इसकी थाइयां नज़र आ रही हैं, इसकी बैक नज़र आ रही है, ये दुपट्टे मतलब इस तरीके से करती है कि मैं माशाल्लाह। तो ये मेरे सामने पहन के आ रही है कपड़े, अब मैं आपको दिखा नहीं सकती इसको, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगा है ना सूट में। जब ये बनाएगी ना वीडियो फिर दिखाएगी, बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला प्यार ना नसीब करे। तो ना अल्लाह ताला हया दे, शर्म दे पाक परवरदिगार। तो मैं आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह जो अगर मर्द भी वीडियो बना रहे, औरतें भी वीडियो बना रही हैं ना, तो वो अलीजे शहर की तकरीबन वो हर चीज़ दिखा रही है जो उसने अपनी दिखाई हुई है। तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। हम भी वीडियो बनाते हैं कि उन बच्चियों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें अदालत में चले जाना चाहिए, जितना वो गरीब लोग हैं शायद वो डर रहे हों कि हमारे कोई केस लड़े या ना लड़े या हमारे पास इतना पैसा हो या ना हो। तो जिस तरह वो एक जज की बीवी ने जब एक बच्चे को मारा था ना, तो उसका केस जो है स्पेशल जज है शायद एडवोकेट, उन्होंने फ्री फीस भी लीला उनका लड़ा था केस। तो मैं कहती हूँ अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो वो इन बच्चियों का केस लड़ें और उनको हक दिलाएं, और अलीजे शहर को भी थोड़ा सा ना इंजाम तक पहुँचाना चाहिए कि कम से कम ये अपनी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है दूसरों की ज़िंदगी से मत खेले। तो इसने तो चाहा था कि मैं भाभियाँ ले आऊँगी और मेरी शायद जान छूट जाएगी इस
टब्बर से, जो लालची टब्बर है बाप और भाई और माँ, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन ये ऐसा सीन नहीं हुआ कि वो लड़कियाँ इनके हाथ से निकल गई हैं जी। सारम ने हमारे ने डाला हुआ रोला, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ईद की चीज़ें देखते कि वो खुश हो रहा है, तो यकीन करें मुझे दुख के साथ उन बच्चियों के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि जो अपनी मर्जी से तो करता है ना, उस पर तो हम आवाज़ उठाते हैं कि वो गलत कर रहा है। लेकिन जिन बच्चियों के साथ गलत इन्होंने की है, उनके साथ ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि वो ना चाहते हुए उन्हें वो करना पड़ा जो ये चाहते थे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तो हमारे दो में तुम्हारे साथ होते थे। हाफिज़ हाफिज़।